नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रोजाना एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज डायरी सेकेंड ईयर का फाइनल कैप राउंड का रिजल्ट लग चुका है, तो उसके बारे में ये वीडियो है कि आपका सीट एक्सेप्टेंस कैसे करना है आपको। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग को आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे जो आपका लॉग इन रहेगा लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब आ रहा है यहाँ पे, और ये कैप अलॉटमेंट सेकंड है जैसे मैंने सुबह वीडियो बनाया था। और यहाँ पे आपका सीट एक्सेप्टेंस है, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो आपका सेल्फ ईआरसी है, कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस है, और यहाँ पे आपका सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट आपको करना है। यहाँ पे तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कम्प्लीट कर चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका 10th के मार्क्स वगैरह और बाकी स्टेटमेंट वगैरह वही प्रोसीजर है जो लास्ट टाइम के फर्स्ट राउंड में आपकी थी। और फिर इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये पेज पे आ जाते हो। ये पेज पे आने के बाद अभी आप देख सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट अलॉटेड है, कोर्स अलॉटेड है, चॉइस है और प्रेफरेंस अलॉट है। यहाँ पे पहले क्या था, एक ऑप्शन था फ्रीज का और एक सेकंड ऑप्शन था बेटरमेंट का, तो अभी यहाँ पे वो नहीं है क्योंकि ये फाइनल कैप राउंड है। तो अभी आपको यहाँ पे फ्रीज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए तो ओटीपी आ जाएगा। फिर ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हो, और फिर उसके लिए बाकी का प्रोसीजर आपको कॉलेज में जाके करना पड़ेगा। ऐसा ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।